हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरित मानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था, मुझे तो पता नहीं है कि कौन रामायण मस्जिद में बैठ करके लिखा गया है। 16 प्रकार के रामायण होते हैं, लेकिन हो सकता है लालू जी के चरवाहा विद्यालय में जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एडमिशन लिए हैं तब हो सकता है लिखा गया हो, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन रामायण श्री तुलसीदास जी कहाँ लिखे थे सो आप जानते हैं, वाल्मीकि जी कहाँ लिखे थे सो भी सब लोग जानता है। इसलिए मस्जिद में बैठ करके रामायण लिखा गया था, इसका पढ़ाई चरवाहा विद्यालय में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एडमिशन लिए होंगे तब हुआ होगा, या तेजस्वी यादव जी ही इसके हेडमास्टर होंगे तब पता होगा, हम लोग को नहीं पता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।